हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 6 जून एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5th एंड 6th जून, यानी कि कल और आज दोनों दिनों के द हिंदू न्यूज़पेपर को। सो आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन तीन मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। पहला तो टेलीग्राम चैनल है, इस पर हम इन लेक्चर्स के PDF पोस्ट करते हैं, क्विजेस पोस्ट करते हैं, जो भी अपडेट्स होती है वो यहीं पर पोस्ट होती हैं। तो आप चाहो तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मेल ID और ट्विटर के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो, फीडबैक हो, डाउट हो रिगार्डिंग UPSC, आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। तो देखो, कल ही हमारी 5 जून को प्रिलिम्स खत्म हुई है, ठीक है। तो आई वुड नॉट आस्क कि कैसा आपका गया प्रिलिम्स, ठीक है। अभी आपका टाइम थोड़ा सा रेस्ट करने का है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि रेस्ट करो, लेकिन स्मार्टली रेस्ट करो। जो चीज़ें आप मिस नहीं कर सकते, जैसे कि द हिंदू की कीमत आपको समझ आ गई होगी अगर आप लोगों ने कल का पेपर दिया होगा। तो लगभग 25 to 30 क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर्स से थे एंड स्पेसिफिकली द हिंदू से थे, ठीक है। तो द हिंदू किसी भी कॉस्ट पे किसी भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो कल का पेपर कैसा भी गया मैं आपसे नहीं पूछूंगी। अभी आपका टाइम थोड़ा सा रेस्ट करने का, थोड़ा सा एंजॉय करने का है। इसके बाद 5 से 7 दिन के ब्रेक के बाद बिल्कुल मेंस की तैयारी में जुट जाना है, बिना ये सोचे कि हमारा हो रहा है प्रीलिम्स या नहीं हो रहा है, ठीक है। आप, आई नो कि ये रहा नहीं जाएगा आपसे। आप लोग अपनी आंसर कीज, अलग अलग आंसर कीज से अपने जो आंसर पेपर है, जो भी क्वेश्चन पेपर है, उसको मिलाओगे ज़रूर, अपने आंसर्स चेक करने की कोशिश ज़रूर करोगे, देखोगे कितने मार्क्स आ रहे हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि ये करने के बाद अपने आप को इस चीज़ से बिल्कुल अलग कर लेना, मेंस के लिए प्रिपेयर करना बिल्कुल चालू कर देना 5 से 7 दिन के बाद। ओके, सो टुडे इज अ न्यू डे, अ न्यू बिगनिंग, इसीलिए एक नया पिंच ऑफ पॉजिटिविटी लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए। एवरी डे हैज़ अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू ब्लेसिंग एंड अ न्यू होप। सो आज का दिन नई बिगनिंग के साथ आया, नई ब्लेसिंग, नए होप के साथ आया। तो स्टार्ट इट फ्रेश, और यहाँ पे जो भी पुराना था, अच्छा या बुरा, उसको साइड में रखो और आगे के लिए तैयारी करो, ठीक है। मान लो आपका प्रीलिम्स हो रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। शो ऑफ में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेंस के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। प्रीलिम्स से नौकरी नहीं लगती, ओके। तो तीनों स्टेजेस कवर करनी पड़ती है, तीनों स्टेजेस पार करनी पड़ती है। और अगर मान लो प्रीलिम्स नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, तो भी आपको अगले साल के प्रीलिम्स के लिए तैयार होना है। तो डू नॉट लूज फेथ ओवर योरसेल्फ, डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस एंड स्टार्ट अगेन, ओके। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे, GS2 में IR में देखेंगे इंटरपोल के बारे में, गवर्नेंस में देखेंगे एक्सेसिबल इंडियन कैंपेन के बारे में, GS3 में एनवायरमेंट में देखेंगे एम्परर पेंगुइन्स एंड अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में, रिवर पॉल्यूशन के बारे में एक रिपोर्ट आई है उसको देखेंगे, फिशिंग कैट सेंचुरी, पहला फिशिंग कैट सेंचुरी हुआ है इसके बारे में समझेंगे, इकोनॉमी में एक बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही बढ़िया आर्टिकल, एक्सप्लेनर आर्टिकल, स्टैगफ्लेशन इंपैक्टिंग मार्केट्स, इसके बारे में देखेंगे, साइंस एंड टेक में चाइना मार्क्स न्यू स्पेस माइलस्टोन, तो इसको भी देखेंगे, एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो देखो, यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे देख रहे हो आप इंटरपोल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने कल का पेपर अटेम्प्ट किया है, या फिर अगर नहीं भी अटेम्प्ट किया है, पेपर देखा है, या फिर कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अबाउट आर प्रीलिम्स एनालिसिस, ठीक है, कि प्रीलिम्स का पेपर कैसा आया था, उसके एनालिसिस के ऊपर ये वीडियो था। अगर आपने ये भी देखा होगा तो आपको समझ आएगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने हर बार आपसे कहा है कि पहले से तैयार करके रखो। तो अब यहाँ पे जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है उसको मिस आउट नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस होके पूरा लेक्चर अटेंड करना है, और चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो। वैसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करती हूँ, रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देख रहे हो एनवायरमेंट में आज 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, 3 में मतलब 4 ही हो गए, एम्परर पेंगुइन हो गया, अंटार्कटिक ट्रीटी, रिवर पॉल्यूशन, फिशिंग कैट सेंचुरी। कल आपने देखा होगा कल के पेपर में सीधे क्वेश्चन आए थे इस तरह से, ठीक है, एनवायरमेंट के क्वेश्चन, और वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए हार्ड इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने ढंग से करंट अफेयर्स कवर नहीं करे थे। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी से थे, जिसमें एक पूछा था क्वेश्चन कि बर्ड कौन सा नहीं है, 4 स्पीशीज दे दिए थे और बोला था बर्ड कौन सा नहीं है। दिस वॉज सीधा क्वेश्चन, ठीक है, वेरी स्ट्रेट। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, आप एक बार में इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। तो यहाँ पे स्पीशीज जो भी होती हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, स्पेसिफिकली एनवायरमेंट से
रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होता है बिल्कुल नहीं छोड़ना है. ओके उसके अलावा इकोनॉमी में आपने देखा था कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो स्टैगफ्लेशन इज अ कंसेप्ट, इसको भी बड़े ध्यान से समझना. ओके ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ सो दैट आप थोड़े से ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ जब ये टॉपिक्स आए, ठीक है, क्योंकि कल का प्रीलिम्स का पेपर इस चीज़ का प्रूफ है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आपकी करंट अफेयर्स की अवेयरनेस बहुत अच्छी और तगड़ी होनी चाहिए. ओके अच्छा जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा उनके लिए ऊपर यहाँ पे जो लिंक है वो मैं डाल दूंगी कल के वीडियो की जिसमें हमने प्रीलिम्स पेपर का एनालिसिस किया है. ओके आगे बात करते हैं. आर फ्यूज ऑफ टैक्सलेशन इम्पैक्टिंग मार्केट्स, तो देखो ये टैक्सलेशन न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि फेडरल रिजर्व जो कि यहाँ पे यूएस का सेंट्रल बैंक है इसके जो फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं उन्होंने बोला है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हम टैक्सलेशन का दौर देखें जहाँ पे ग्रोथ जो है वो लो हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो और साथ में जो इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ हो. तो देखो टैक्सलेशन जो है इसमें मेजरली तीन पैरामीटर्स को हम देखते हैं, ठीक है, मेजरली तीन पैरामीटर्स देखे जाते हैं जिसको हम टैक्सलेशन बोलेंगे. देखो स्टैग का मतलब है स्टैगनेंसी, स्टैगनेंसी यानी कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, यानी कि पहला तो यही है कि ग्रोथ आपकी रुकी हुई है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ठीक है. तो स्टैगफ्लेशन में स्टैगनेंसी तो ये हो गया, फ्लेशन दिखाता है इन्फ्लेशन को, तो इन्फ्लेशन जब ज़्यादा है ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है इसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं. तो तीन पैरामीटर्स हैं, एक तो इन्फ्लेशन है जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, ठीक है, दूसरा सेम टाइम पे ही सिनेरियो ऐसा है कि ग्रोथ जो है कम है, यानी कि ग्रोथ कैसे नापते हैं जीडीपी के थ्रू, तो लोअर जीडीपी है. उसके साथ में अनएम्प्लॉयमेंट थर्ड पैरामीटर है, जब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी ज़्यादा हो जाए. याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में सीधा पूछा जा सकता है स्टैगफ्लेशन में कौन से तीन पैरामीटर्स होते हैं, तीनों पैरामीटर्स बताएंगे पूछेंगे कि कौन सा ज़्यादा कौन सा कम. तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, ग्रोथ कम हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो, ऐसे वाले एरा को, ऐसे वाले टाइम को स्टैगफ्लेशन कहते हैं. इसमें कुछ चीज़ें और है, जैसे अगर रिसेशन भी आने वाला हो, यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हो, तो इसका भी ये भी एक तरह से आप देख सकते हो साइन होता है स्टैगफ्लेशन का. लेकिन मेजर जो तीन पैरामीटर्स हैं इकोनॉमी के जिससे स्टैगफ्लेशन को हम समझते हैं तो वो ये तीन है, ठीक है, इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ऑलराइट, तो स्टैगफ्लेशन आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं. तो देखो यहाँ पे वही तीन पैरामीटर्स की बात की गई है कि इकोनॉमिक आउटपुट कैसा यानी कि ग्रोथ कैसी है ये हम जीडीपी के थ्रू नापते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है और तीसरा इन्फ्लेशन कितना है. तो देखो जब भी यहाँ पे हमको क्या लगता है इकोनॉमिक्स का बहुत ही आसान है, बहुत ही वर्चुअल वर्ल्ड चल रहा है, आरबीआई के चेयरमैन को कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है, ठीक है. अब उनको कैसे क्या बैलेंस करना पड़ता है, देखो हर कंट्री चाहती है कि उसके देश में ग्रोथ अच्छी हो, डबल डिजिट ग्रोथ हर कोई चाहता है, ठीक है. लेकिन आप समझो जब ग्रोथ होगी यानी कि हर कोई यहाँ पे अच्छा कमा रहा है, जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है, जीडीपी बढ़ेगी यानी कि हर किसी के पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो हर किसी के हाथ में लिक्विडिटी आ रही है ना, हर किसी के हाथ में पैसा है. अब लिक्विडिटी है तो हर कोई क्या करेगा, डिमांड करेगा. आपके हाथ में पैसा आता है, आपके हाथ में जब पॉकेट मनी आती है तो ही आपको सारी नीड्स याद आती है ना, वरना आप सब चीज़ों में एडजस्ट कर लेते हो. नीड्स सारी लग्जरीज आपको तब याद आती है जब आपके हाथ में पॉकेट मनी आती है. तो डिमांड बढ़ती है जब हाथ में पैसे आते हैं. डिमांड बढ़ने के कारण आप क्या करोगे, सारे लोग एक साथ जाओगे दुकानों पर, स्टोर्स पर, और आप एक साथ चीज़ों की डिमांड करोगे. इसके कारण क्या होता है, डिमांड पुश इन्फ्लेशन आता है, यानी कि इन्फ्लेशन आ जाता है. ओके तो जब ग्रोथ आई, जीडीपी बढ़ा, जीडीपी बढ़ने के कारण लिक्विडिटी आई, लिक्विडिटी बढ़ने के कारण डिमांड आई, और डिमांड बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन आया. ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रोथ जैसे ही बढ़ती है वैसे ही इन्फ्लेशन भी बढ़ता है. तो अब यहाँ पे आरबीआई के जो चेयरमैन हैं, जो भी सेंट्रल बैंक से उनके जो चेयरमैन हैं, उनको काम उनका ये होता है कि वो बैलेंस आउट करें ग्रोथ में और यहाँ पे इन्फ्लेशन में, ठीक है. सबसे बड़ा बैलेंस तो ये होता है. दूसरा फिर बैलेंस ये भी आ जाता है कि जब ग्रोथ हो रही है इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन के बाद क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन जब हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस जब बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा ही नहीं हो पाती, इनपुट कॉस्ट बढ़ने लगती है कंपनीज की, फैक्ट्रीज की. तो ऐसे में क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको शेड आउट करने लगते हैं, लोगों को फायर करने लगते हैं. तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगती है, ठीक है. तो अब इन सब के बीच में एक बैलेंस कैसे किया जाए, इन्फ्लेशन को अगर आप कम करोगे तो ग्रोथ भी कम हो जाएगी, ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट को आप कम करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को आप कम कर रहे हो, ग्रोथ को भी कम कर रहे हो, ठीक है. तो कैसे बैलेंस किया जाए ये इशू आ जाता है यहाँ पे. तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम ये वाली है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ कम हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, इसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं बेसिकली. अब अभी तक कहाँ कहाँ हमने देखा है ऐसा स्टैगफ्लेशन मैनिफेस्ट होते हुए, तो देखो इससे पहले 1970s की बात है,
डेवलप्ड इकोनॉमीज जितनी भी थी उन्होंने स्टैगफ्लेशन फेस किया था कब, जब ऑयल शॉक आया था। ऑयल शॉक क्या है, इस समय पे क्या हुआ था कि जो कार्टेल्स होते हैं ना, जो कार्टेल यानी कि जैसे मान लो 10 शॉप्स हैं, ठीक है, 10 शॉप्स हैं जहाँ पे कोई एक सामान मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी के बिस्किट मिल रहे हैं, अब इन 10 शॉप्स ने डिसाइड कर लिया कि हम पार्ले जी के बिस्किट के जो दाम है वो बढ़ाएंगे, अभी 5 रुपए के मिलते हैं हम 10 रुपए के बेचेंगे, ठीक है। तो ये कार्टेल हो गया, ये क्या है कार्टेल, जिन्होंने डिसाइड करके प्राइजेस बढ़ा दिए या कम कर दिए, ठीक है। अब सबको मानना पड़ेगा, क्या करे, दूसरा ऑप्शन थोड़ी है, क्योंकि इन 10 शॉप्स के पास ही मिल रहा है ये पार्ले जी बिस्किट। तो यहाँ पे वैसे ही कार्टेल होता है पेट्रोलियम कंट्रीज का भी। तो यहाँ पे ओपेक जो है, ओपेक ये देखो, ओपेक जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ये जो कार्टेल था इन्होंने क्या किया, एकदम से ऑयल्स के जो प्राइजेस थे बढ़ा दिए। अब ऑयल के प्राइजेस बढ़ा दिए, अब ऐसे में जो कंट्रीज हैं यूएसए वगैरह जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको तो ज़्यादा तेल लगता था पहले से ही, ठीक है, हमको तो अब लगना स्टार्ट हुआ, उनको तो पहले से ही लगता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा तेल इम्पोर्ट करते थे। अब इनको इम्पोर्ट तो करना पड़ेगा वरना इनकी ग्रोथ नीचे गिर जाएगी। अब इस इम्पोर्ट करने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा अपना फॉरेक्स रिजर्व गवा दिया। ऐसे में क्या हुआ, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया और रिसेशन भी आ गया, ठीक है। एक तो सप्लाई साइड पे शॉक था, उसके अलावा पैसे भी बहुत बड़े हुए मांग रहे थे, प्राइजेस भी बढ़ गए थे, तो इन्फ्लेशन भी आ गया, रिसेशन भी आ गया, और यहाँ पे दौर आ गया स्टैगफ्लेशन का पहली बार अच्छे से जो देखने को हमको मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उस समय पे क्या था, यहाँ पे इन्फ्लेशन लगभग 10% चल रहा था, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 9% हो गई थी, ठीक है, जीडीपी भी नीचे गिर गया था। तो ऐसे टाइम को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, और ये हम पहले फेस कर चुके हैं, यूएस जैसी कंट्रीज फेस कर चुकी हैं। ओके, तो अभी ऐसा क्या हुआ है कि स्टैगफ्लेशन हो रहा है, अभी ऐसा क्या नई चीज़ हो गई। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि कोविड आया, कोविड के कारण लॉकडाउंस लगे, लॉकडाउंस के कारण क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया, है ना, पहला तो ये इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया। अब दूसरी चीज़, इस इकोनॉमिक स्लोडाउन से उभरने के लिए, ग्रोथ को हवा देने के लिए, ग्रोथ को ट्रिगर करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स लेना शुरू करे, ठीक है, जैसे उन्होंने टैक्सेस कम कर दिए, सब्सिडीज देना चालू करी, लोगों के हाथ में बेसिकली पैसा देने की कोशिश करी, ठीक है, सो दैट डिमांड बढ़े तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा करते करते इन्फ्लेशन आ गया। अब जो सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने धीरे धीरे अपने ये जो मेजर्स स्टार्ट करे थे सो दैट लिक्विडिटी बढ़े मार्केट में, उसको वापस लेना चालू किया। अब इन्होंने तो बैलेंस आउट कर दिया था, लेकिन बीच में आ गया रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण क्या हुआ, पूरे ग्लोबल एरिया में, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सप्लाई शॉक आया हुआ है, ठीक है, सप्लाई शॉक, जो नेचुरल गैस वगैरह रशिया और यूक्रेन एक्सपोर्ट करते थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई शॉक आ गया है, इसके कारण इन्फ्लेशन वैसा का वैसा ही टिका हुआ है। तो इन सब कारणों से आज के टाइम पे स्टैगफ्लेशन अभी हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आगे क्या है, तो आगे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि अभी हो सकता है कि स्टैगफ्लेशन का दौर चले। अब हमको क्या करना है, हमको इंडिया में बस ये कोशिश करनी है कि किसी तरह हम प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकें, प्राइजेस हमारे देश में बहुत ज़्यादा ना बढ़ें, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग स्टैगफ्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। कहीं भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ओके, वहीं की वहीं डाउट खत्म करेंगे। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। चाइना मार्क्स न्यू स्पेस माइलस्टोन। तो देखो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि चाइना ने अपना, चाइना अपना एक अलग स्पेस स्टेशन बना रहा है, ठीक है, चाइना का स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग, तियांगोंग, ठीक है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन बना रहा है, उसी के लिए इसने अपना मॉड्यूल भेजा है, ठीक है। एक इनका रॉकेट है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट, इसके थ्रू इसने 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा है। ये एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, ये एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस स्टेशन जो चाइना बनाना चाह रहा है उसकी लैब मॉड्यूल्स को मेन बॉडी से कनेक्ट करने का कुछ काम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो जाती है वो ये कि तियांगोंग क्या है, स्पेस स्टेशन जो चाइना का वो क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज जो यहाँ पे बताई हुई है वो ये कि जब ये स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो तियांगोंग है ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये वैसा ही सेम हो जाएगा जैसे सोवियत का मीर स्टेशन हुआ करता था, अर्थ का, अर्थ चक्कर लगाता था 1980 से 2001 तक। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे तो हमारे आसपास जो चक्कर लगा रहा है स्पेस स्टेशन वो सिर्फ एक ही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इससे पहले यूएसएसआर का हुआ करता था एक स्पेस स्टेशन जिसका नाम था मीर स्टेशन, ओके, तो ये 2001 में रिडंडेंट हो गया था, उसके पहले ये काम करता था। ऑलराइट, अब देखो इसके बारे में बात करते हैं, इससे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बात करते हैं। तो स्पेस स्टेशन क्या होता है पहले तो ये समझो, स्पेस स्टेशन एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट होता है जिसमें कि क्रू मेंबर्स वगैरह लोग जाते हैं, ठीक है,
यहाँ पे ये जो क्रू मेंबर्स जाते हैं इनको सपोर्ट करने का काम करते हैं स्पेसक्राफ्ट, और यहाँ पे इनको ऐसी सुविधाएं ऐसी फैसिलिटी बना के देता है जिसमें ये एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए स्पेस में रह सकते हैं, यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पेस स्टेशन ये काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाएंगे वो माइक्रो ग्रेविटी के और अलग अलग यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट उनको करने हैं वो करेंगे। ठीक है, अब आज की डेट में इकलौता स्पेस स्टेशन हमारा यही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें चाइना इंक्लूडेड नहीं है। अब चाइना क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है इसीलिए चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसको किसने किसने बैकिंग दी थी, एक तो यूएस था, रशिया था, यूरोप, जापान एंड कनाडा। याद रखना ये पांच कंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूएस, रशिया, जापान, यूरोप एंड कनाडा। ठीक है, इसमें चाइना थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, चाइना ने स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम 2003 में इसने अपना पहला एस्ट्रोनॉट ऑर्बिट में भेज दिया था, जिसने जो कि बहुत तेज है। ठीक है, हम चाइना को भले ही कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन हमको चाइना से ये चीज जरूर सीखनी चाहिए कि कितना ज्यादा स्पेस पे फोकस करता है, साइंस एंड टेक पे फोकस करता है, इकोनॉमी पे फोकस करता है, ये चीजें चाइना से सीखने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना वाली बात है कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इन्होंने अपना 2003 में ही भेज दिया था। ठीक है, और तीसरी कंट्री बन गई थी आफ्टर सोवियत यूनियन एंड यूएस, वरना सोचो चाइना वाज आल्सो कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, फिर भी चाइना इतनी लेट स्टार्ट करने के बाद भी यहाँ पे थर्ड कंट्री बन गई पहला एस्ट्रोनॉट भेजने की। ठीक है, वरना यूरोप, रशिया ये सब तो बड़े एडवांस थे, यूरोप हो गया, जापान हो गया, कनाडा, ये सब बड़े आगे बढ़े हुए थे। ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं भेज पाए, चाइना ने भेज दिया। ठीक है, अब देखो चाइना जो है अपना दो स्पेस स्टेशन यहाँ पे बना रहा है, मतलब एक ही एक स्पेस स्टेशन है लेकिन उसको दो फॉर्म्स में भेजने वाला है, तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2। ठीक है, इसमें शॉर्ट स्टेज के लिए एस्ट्रोनॉट्स को सपोर्ट मिलेगा वाया दिस स्पेस स्टेशन। ओके, तो देखो इसकी भी बात कर लेते हैं, चाइना की स्पेस स्टेशन की। यहाँ पे देखो इसका नाम है तियांगोंग स्टेशन, ये मल्टी मॉड्यूल स्टेशन है। ठीक है, लगभग 10 सालों के लिए ये ऑपरेशनल रहेगा। इसका एक कंपोनेंट है जिसका नाम है तियानहे। ठीक है, तियानहे जो है ये काम करेगा चाइना के पहले सेल्फ डेवलप्ड स्पेस स्टेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो तियानहे है दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ तियांगोंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो तियानहे है ये क्या करेगा, जो तीनों क्रू मेंबर्स जाएंगे चाइना के स्पेस स्टेशन में उनके लिए लिविंग क्वार्टर्स वगैरह बनाने का काम करेगा, और यहाँ पे कुल मिला के ये जो है जो तियानहे है लगभग 340 to 450 किलोमीटर के ऑर्बिट पे हाइट पे ऑर्बिट करेगा अर्थ के आसपास। ठीक है, अब इसमें जो दूसरे और भी चीजें हैं जो चाइना आगे भी लॉन्च करने वाला है वो ये है कि दो कोर मॉड्यूल्स और लॉन्च करने वाला है, चार मैंड स्पेसक्राफ्ट आने वाले हैं और चार कार्गो स्पेसक्राफ्ट आने वाले हैं। तो स्पेस स्टेशन जो है चाइना का उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, प्लान्स अफुट फॉर 90th इंटरपोल एनुअल मीट। तो देखो ये न्यूज़ ये है कि इंटरपोल, इंटरपोल इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू पुलिसिंग। ओके, तो यहाँ पे जो इंटरपोल है इसकी मीटिंग होनी है, 90th मीटिंग होनी है, और वो होनी है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये मीटिंग होनी है, तो इसके लिए सारे अरेंजमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं किसने, सीबीआई ने। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब आप पूछोगे भैया सीबीआई क्यों कर रही है, दूसरी बॉडी को क्यों नहीं दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों नहीं लिया, तो देखो सीबीआई जो है इंटरपोल की नोडल बॉडी है इंडिया में, यानी कि इंटरपोल जैसे मान लो यूएन है। ठीक है, यूएन हर देश से कोऑर्डिनेट करता है, अब हर देश का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसके थ्रू ये कोऑर्डिनेट करता है, वैसे इंटरपोल हर देश से अपना अपना कोऑर्डिनेशन करता है, तो इंडिया के साथ इंटरपोल जो है वो कोऑर्डिनेट करता है वाया सीबीआई, इसीलिए सीबीआई इसकी नोडल बॉडी है। ठीक है, तो डेजिग्नेटेड नोडल बॉडी है इंडिया में इंटरपोल की, ये काम करती है कोऑर्डिनेशन के साथ इंटरपोल के साथ। ठीक है, और जो भी देखो इंटरपोल क्या है, इंटरपोल को आप अगर समझोगे तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस। तो बेसिकली अलग अलग देशों की जो पुलिस है वो उनका एक नेटवर्क है इंटरपोल, और ये क्या करते हैं आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे हमारे देश में अलग अलग पुलिस थाने हैं, अलग अलग पुलिस थाने आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ना, वैसे ही वर्ल्ड का यहाँ पे अलग अलग पुलिस स्टेशन जो है, अलग अलग जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती है वाया इंटरपोल। ओके, तो न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में होनी है ये मीटिंग, तो कब होनी है, अक्टूबर में होनी है, और इसके लिए सीबीआई पूरी तैयारी में लगा हुआ है। ठीक है, तो इंटरपोल के बारे में जान लेते हैं, इंटरपोल का पहले नाम क्या हुआ करता था, इंटरपोल का नाम हुआ करता था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, 194 मेंबर्स की ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेडक्वार्टर्स लियोन फ्रांस में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। अब देखो ऐसी फैक्चुअल चीजें यूपीएससी ज्यादा पूछने लगा है, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से समझना। 1923 में ये बना था इंटरपोल, और क्या क्या नाम से बना था, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम से बना था। ठीक है, और इसको इंटरपोल 1956 से कहा जाने लगा। ठीक है, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 1949। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन,
कल के पेपर में, यानी कि जो 5 जून का प्रीलिम्स का पेपर आया था उसमें हमने देखा एक क्वेश्चन सीधे ये आया था कि इंडिया किस किस का मेंबर है। एक ऑप्शन था MTCR और ऐसे एक दो और ऑप्शन थे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया किस किस का मेंबर है ये पूछा गया था। तो इंडिया अगर पूछा जाए इंटरपोल का मेंबर है या नहीं, तो है सिंस 1949, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर है, ठीक है। अब इंटरपोल का काम ये होता है कि ये टेररिज्म को काउंटर करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी को प्रमोट करता है वर्ल्ड वाइड, जो भी वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटीज हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको प्रोटेक्ट करता है, साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करता है, इलिसिट मार्केट्स को यहाँ पे कर्ब करता है, एनवायरमेंट सिक्योरिटी के लिए काम करता है, ग्लोबल इंटीग्रिटी के लिए काम करता है। तो ये सब काम जो है इंटरपोल करता है। ओके ना, इंटरपोल के नोटिसेस की बात करें तो देखो एक तो है इंटरपोल का रेड नोटिस। अब देखो जो इंटरपोल नोटिसेस जारी करता है ना अलग अलग कलर्स के होते हैं, इसका मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में सीधे, ठीक है। जैसे रेड नोटिस का क्या मतलब है कि वांटेड पर्सन है कोई, ठीक है, उसके अगले लिए रेड नोटिस जारी किया जाएगा, येलो नोटिस फॉर द मिसिंग पीपल, ओके, ब्लू नोटिस फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ब्लैक नोटिस कभी मान लो इंडिया है और साथ में कनाडा है, कनाडा में कोई इंडियन पर्सन की अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलती है, तो यहाँ पे इंटरपोल इंडिया को एक ब्लैक नोटिस जारी करेगा कि यहाँ पे कनाडा में एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन की डेड बॉडी मिली है अनआइडेंटिफाइड, ठीक है। तो ये ब्लैक नोटिस इस काम आता है। वैसे ग्रीन नोटिस वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए, ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट बताने के लिए कि आपके देश में ये थ्रेट आ रहा है, ठीक है। पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी के लिए कि पता करने के लिए कैसे काम करोगे, मोडस ऑपरेंडी क्या है। इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, तो ये स्पेशल नोटिस जो है ये ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स जो सैंक्शन है यूएन के द्वारा, यूएनएससी के द्वारा, उनके लिए होता है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे टिप्स पे होना चाहिए कि ग्रीन नोटिस किस लिए है, ठीक है, येलो नोटिस किस लिए है। तो संडे को जो हमारी क्विज होगी ना, आप सभी को पता है कि नहीं, संडे को हमारी लाइव क्विज होती है वीकली, ठीक है, करंट अफेयर्स की 7 PM पे। तो इसमें मैं इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी, तो इसको एकदम अच्छे से याद करना। ऑलराइट, अब देखो इंटरपोल की एक जनरल असेंबली भी होती है, ये यहाँ पे सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होती है इंटरपोल की, याद रखना, ठीक है। इसमें सभी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सभी मेंबर कंट्रीज के, एनुअली कम से कम एक ना एक बार मिलती है, ठीक है, कम से कम 4 दिनों के लिए मिलती है। उसके अलावा हर कंट्री जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है बाय वन और मोर डेलीगेट्स। साथ में ये जो असेंबली है ये इंटरपोल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स को भी इलेक्ट करती है, ठीक है। तो इंटरपोल की जनरल असेंबली वैसी ही होगी जैसे पॉलिसी फॉर्मिंग बॉडी होती है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, पॉलिसी फॉर्मिंग बॉडी इंटरपोल की जनरल असेंबली। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो इसके एग्जीक्यूशन का काम करती है, जो भी पॉलिसीज इंटरपोल की जनरल असेंबली बनाती है उसको एग्जीक्यूट करने का काम ये कमेटी करती है, समझ गए। आगे बात करते हैं, चाइना टू नॉट गिव एडवांस द सेफ्टी टू एम्परर पेंगुइन्स। तो देखो ये कल का आर्टिकल है। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि देश भर, वर्ल्ड भर की जो कंट्रीज हैं वो मिली आपस में अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में डिस्कस करने के लिए, ठीक है, अंटार्कटिका ट्रीटी। अब अंटार्कटिका ट्रीटी क्या है पहले तो ये समझो, ठीक है। सबसे पहले देखो अंटार्कटिका क्या है। अंटार्कटिका जो है एक कॉन्टिनेंट है, सेवेंथ कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का, हमारे अर्थ का, ठीक है। ये एकदम साउथ पोल में पड़ता है, 60 डिग्री जो साउथ है उसके नीचे जितना भी लैंड मास है उसको अंटार्कटिका कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अंटार्कटिका के ये मैप आपके सामने लेकर आई हूँ मैं, ये जो है ये साउथ पोल है जो सेंट्रल पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। इसके आसपास ये देखो ये फाकलैंड आइलैंड, ये साउथ अमेरिका के हैं, ठीक है। उसके अलावा ये अफ्रीका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, न्यूजीलैंड आ रहा है, तो ये इनके नीचे आता है अंटार्कटिका। एक साइड पे इंडियन ओशन है, एक साइड पे अटलांटिक है, एक साइड पे पैसिफिक है, और चारों साइड पे सदर्न ओशन ने घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये देखा हमने, उसके अलावा देखो ये वाली जो सी है ये वेडल सी है, और ये जो नीचे वाली है ये रॉस सी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है मैपिंग, याद रखना, ठीक है। मैपिंग से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन आए थे कल के प्रीलिम्स के पेपर में। ऑलराइट, अब देखो अंटार्कटिका ट्रीटी की हम बात कर रहे थे, तो अंटार्कटिका जो है इसको प्रोटेक्ट प्रमोट करने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई थी कब, 1959 में, ठीक है। तो शुरुआत में इसको सिर्फ 12 कंट्रीज ने साइन किया था, ठीक है, और अब इसको मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज साइन कर चुकी हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत ये एम किया गया था कि हम अंटार्कटिका को, जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, इसको एक डीमिलिटराइज्ड जोन रखेंगे और इसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। तो कोई भी कंट्री यहाँ पे अपनी मिलिट्री लेकर नहीं जाएगी, मिलिटराइज नहीं करेगी इस कॉन्टिनेंट को, ये डिसाइड हुआ था। अब इसकी 12 ओरिजिनल सिग्नेटरीज हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं क्योंकि 12 कंट्रीज को याद नहीं रख सकता, फिर भी एक बार नजर जरूर डाल दो। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूएन सॉरी यूएसएसआर और यूके एंड यूएस। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ सकते हो, है ना। 1961 में ये ट्रीटी फोर्स में आई थी, ठीक है, और अंटार्कटिका को इसने डिफाइन किया क्या,
कि 60 डिग्री साउथ के नीचे जितने भी लैंड मास है वो इसके अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? अंटार्कटिका के अंतर्गत। ओके नाउ ये तो हो गई अंटार्कटिका ट्रीटी की बात। अब यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रही थी कि ये सब लोग अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में डिस्कस करने के लिए साथ में आए थे, इन्होंने डिस्कस किया कि देखो ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है, क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है, इन सब के चलते जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है बड़ा थ्रेट में है। पहली चीज तो ये बोली। दूसरी चीज इन्होंने ये बोली कि यहाँ अंटार्कटिका पे एक स्पीसीज रहती है, ठीक है, स्पीसी रहती है जिसका नाम है एम्परर पेंगुइन। पेंगुइन आपने देखी होगी बचपन में भी, कार्टून वगैरह आते थे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन कोई कार्टून तो आता था पेंगुइन के ऊपर, ठीक है। मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगी। तो पेंगुइन बेसिकली बर्ड्स होती है जो उड़ नहीं पाती, ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो एम्परर पेंगुइन के बारे में डिस्कशन हुआ इस मीटिंग में कि एम्परर पेंगुइन जो है इनके ऊपर बड़ा थ्रेट चल रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है अंटार्कटिका जो है यहाँ पे जब ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ता है तो इसका जो सी है, इसका जो सी लेवल है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होने लगते हैं, और ये जो ग्लेशियर्स हैं वही हैबिटेट है एम्परर पेंगुइन का, ठीक है। तो एम्परर पेंगुइन का हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा तो एम्परर पेंगुइन भी यहाँ पे थ्रेटन होगी। तो यहाँ पे इसीलिए एम्परर पेंगुइन को हमको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना चाहिए, इसकी बातचीत यहाँ पे हुई। अब यहाँ पे जब इसकी बातचीत हो रही थी तो सभी कंट्रीज ने इसके लिए हामी भरी, अप्रूव किया कि हाँ सही बोल रहे हो, एम्परर पेंगुइन के ऊपर बहुत थ्रेट है। चाइना इसमें बोलता है कि नहीं, हमको सोचने के लिए समय चाहिए, हमको तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो ये सब चाइना बीच में कुछ भी बातें करने लग गया, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि चाइना को एम्परर पेंगुइन से अब क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बात हुई, कुल मिला के चाइना ने अपना जो स्टेक था, अपना जो कहना था कि हमको तो नहीं लगता एम्परर पेंगुइन को कोई प्रोटेक्शन की जरूरत है, ये कहा। लेकिन अल्टीमेटली कंसेंशस से ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पे अंटार्कटिका में कुछ कंजर्वेशन मेजर्स लाए जाएंगे, यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज नए बनाए जाएंगे, और यहाँ पे टूरिज्म को लिमिट किया जाएगा, ठीक है, सो दैट फ्रोजन कॉन्टिनेंट फ्रोजन ही रहे, इस पे ग्लोबल वार्मिंग का ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो अब एम्परर पेंगुइन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये जो दिख रहे हैं ये जो बर्ड्स हैं ये एम्परर पेंगुइन है, बड़े क्यूट से बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो एम्परर पेंगुइन जो है ये लार्जेस्ट है सभी पेंगुइन काइंड में, और ये जो एम्परर पेंगुइन है आपको सिर्फ अंटार्कटिका में मिलेंगे, और ये आयुसीन के हिसाब से नियर थ्रेटन है, नियर थ्रेटन, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, आयुसीन के हिसाब से नियर थ्रेटन है। पेंगुइन जो होते हैं एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, उड़ नहीं सकते इसलिए फ्लाइटलेस कहा गया है, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दे लिव ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर पे आपको मिलेंगे, और सिर्फ एक ही स्पीशी आपको यहाँ पे मिलेगी पेंगुइन की जिसका नाम है गैलापागोस पेंगुइन, जो कि नॉर्थ में मिलता है। मतलब जो मोस्ट ऑफ द पेंगुइन है आपको सदर्न हेमिस्फीयर में ही मिलेंगे, सिर्फ एक पेंगुइन का टाइप होता है जो आपको नॉर्थ में मिलता है जिसका नाम है गैलापागोस पेंगुइन, ओके। और हर 25 अप्रैल को वर्ल्ड पेंगुइन डे मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अनसर्टेनिटी ओवर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन डेडलाइन। तो देखो यहाँ पे जो न्यूज है वो ये है कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इसकी डेडलाइन सबसे पहले 2018 हुआ करती थी, ठीक है। इसको एक्सटेंड किया गया 2020 किया गया, उसको फिर एक्सटेंड करके 2022 किया गया, लेकिन टारगेट्स अभी भी हम अचीव नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए इसको जो इसकी जो डेडलाइन है उसको और एक्सटेंड करने की बात चल रही है, ठीक है। तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो है इसकी डेडलाइन एक्सटेंशन के ऊपर अभी अनसर्टेनिटी हमको देखने को मिल रही है। तो ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन क्या है इसकी बात करते हैं, ठीक है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जिसको सुगम्य भारत अभियान भी कहा जा रहा है, ठीक है, सुगम्य भारत अभियान, ऑलराइट। अगर दोनों में से कुछ भी आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें क्या है, देखो ये कैंपेन जो है ये फ्लैगशिप कैंपेन है, किसकी है ये, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये कैंपेन है, ठीक है। इस कैंपेन में हमारा एम, हमारा उद्देश्य ये था कि हम एक बैरियर फ्री और कंड्यूसिव एनवायरमेंट बनाए दिव्यांगजनों के लिए, मतलब वो लोग जो डिसेबिलिटीज फेस कर रहे हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन में ऐसे जो स्लाइडर एंट्रेंस होता है वो अगर हम बना दें तो यहाँ पे जो लोग हैं जो दिव्यांगजन है वो भी इसको क्रॉस कर सकते हैं रैदर देन द स्टेयर्स, ठीक है। स्टेयर्स की जगह अगर हम ऐसा कुछ बनाने, या स्टेयर्स हो उनके साथ ये भी हो, या फिर जैसे व्हीलचेयर यहाँ से उतर सके आराम से, ठीक है। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जिसमें दिव्यांगजनों को किसी के सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, ठीक है। जैसे लिफ्ट हम बना सकते हैं, लिफ्ट, ओके। फिर उसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन है उनको सिर्फ हम यहाँ पे विजुअल्स की जगह ऑडियो भी लेकर आए। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम दिव्यांगजनों को सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरमेंट जनरेट कर सकते हैं, ये हमारा एम था, ठीक है। इसको लॉन्च किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के दिन पे 3 दिसंबर
2015 को. ओके, इसके तीन कंपोनेंट्स थे, बिल्ड एनवायरमेंट एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे एनवायरमेंट एक्सेसिबिलिटी बनानी थी, फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी एक्सेसिबल बनाना था, इसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इकोसिस्टम को भी, जैसे कि गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, गवर्नमेंट साइट्स को भी हमको एक्सेसिबल बनाना है टूवर्ड्स द पीपल विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है. तो ये था पूरा हमारा जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है. आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन आज का कि आप मुझे बताओगे कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं उनके बारे में, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके वेलफेयर के प्रमोशन के लिए एक एक्ट है हमारे देश में, उस एक्ट का नाम क्या है, कब का वो एक्ट है, और दूसरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा कोई प्रोविजन है जिसमें हम, जिसमें स्टेट जो है, जिसमें हम जो है वो पीपल विद डिसेबिलिटीज के वेलफेयर की बात होती हो यहाँ पे. तो पहला तो ये बताना एक्ट का नाम क्या है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए क्या प्रोविजन है फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज. ओके, तो दो क्वेश्चन है आपके लिए. आगे बात करते हैं रिवर्स फेसिंग हैवी पॉल्यूशन CSE. तो देखो यहाँ पे जो हमारी, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ये एक NGO है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है. इस रिपोर्ट में इन्होंने रिवर्स का सर्वे किया है और इसमें पाया गया है कि हर चार में से हर तीसरी रिवर जो है, हर तीन रिवर्स, हर चार में से हर तीन रिवर्स जो है वो यहाँ पे पॉल्यूटेड हैं, हैवीली पॉल्यूटेड हैं बाय टू ऑफ द मल्टीपल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है. तो जैसे कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, देखो एक तो है लेड, एक है निकल, फिर क्रोमियम, कैडमियम, ठीक है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, उसके अलावा कॉपर है, ये सब क्या है, ये पॉल्यूटेंट्स हैं. तो इन सब टॉक्सिक मेटल, हैवी टॉक्सिक मेटल्स के कारण कई सारी रिवर्स जो हैं पॉल्यूट हो चुकी हैं, हर चार में से तीन रिवर्स जो हैं वो पॉल्यूटेड हैं, ठीक है. और यहाँ पे लगभग हर चौथे स्टेशन पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हाई लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है. अब यहाँ पे नमामि गंगे जो हमारा मिशन है, जिसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस भी किया था, इस मिशन में हम गंगा को और गंगा के पूरे जो सिस्टम है उसको यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, उसके प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं. पर यहाँ पे देखने को मिला कि जो गंगा वाला पूरा बेल्ट है इसमें लेड, आयरन, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, इन सब की अबंडेंस मिली, इन सब पॉल्यूटेंट्स की अबंडेंस मिली है. और ये हमको पता चल रहा है स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022 के थ्रू. तो याद रखना स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022 किसने निकाली है, CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ठीक है, इसने ये निकाली है. ओके, अभी जो रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक सोर्सेज वगैरह के थ्रू डिराइव है. यहाँ पे लगभग 764 रिवर की यहाँ पे क्वालिटी को हमने मॉनिटर किया है अलग अलग स्टेशन बना के, ठीक है. इसमें देखा गया कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो भी बढ़ी हुई हमको देखने को मिली. और एक और चीज़ यहाँ पे देखा कि पॉलीफॉर्म जो है उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ दिखा. तो इन दोनों के कारण क्या हुआ है, BOD और पॉलीफॉर्म के बढ़ने के कारण यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट लेवल है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है. और यहाँ पे पुअर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ये इंडिकेटर है, यानी कि जो कंट्रीज हैं, जो स्टेट्स हैं वो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है उसको बिना ट्रीट करे हुए जो नेचुरल हमारे रिसोर्स हैं, रिवर्स हैं, उसमें मिलने दे रहे हैं इस पानी को. और यही कारण है पूरा का पूरा पानी जो है वो पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है. इसमें हमने देखा कि यहाँ पे इरोजन भी बहुत हो रहा है, ठीक है, जो कोस्ट लाइन का इरोजन है, जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत इरोजन हुआ है कोस्ट लाइन का. अब एक कारण तो साइक्लोन है, चलो ये तो नेचुरल है, लेकिन दूसरा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है हार्बर्स वगैरह का, ये भी एक कारण है, ठीक है. इसके अलावा ओशन रिसोर्सेज जो है वो भी हमारे पोल्यूटेड दिख रहे हैं. हमारा जो फॉरेस्ट रिसोर्स है, फॉरेस्ट जो हमारे देश में है, उसमें सिर्फ 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है 5 सालों में, 2017 से 21 तक, 2017 से 21 तक में सिर्फ 0.5% की हमको बढ़ोतरी देखने को मिली, और वो भी ओपन फॉरेस्ट में, ऐसा नहीं कि डेंस फॉरेस्ट बढ़े हैं, ओपन फॉरेस्ट में, ठीक है. तो ये हमारे यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारे यहाँ पे नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको एक और फोकस की नीड है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर चीज़ पॉल्यूट हो रही है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो कम हो रही है, उसका या तो बढ़ावा नहीं हो रहा उसका, जैसे फॉरेस्ट है वो बढ़ नहीं रहे, तो ये सब कारण है, ठीक है. आगे बात करते हैं, लास्ट हमारा आज का इशू है वर्ल्ड फिशिंग फर्स्ट फिशिंग कैट सेंचस डन इन चिलिका. तो देखो चिलिका, चिलिका कहाँ पे है, चिलिका है उड़ीसा में, ठीक है, चिलिका है उड़ीसा में. और ये है एक वेटलैंड है, ठीक है, ब्रैकिश वाटर सॉल्ट लेक है, ठीक है, ब्रैकिश वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है. चिलिका लेक जो है लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है, ठीक है. यहाँ पे 176 फिशिंग कैट्स मिली है चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग. तो चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसी ने यहाँ पे ये फिशिंग कैट का सेंसस किया, फिशिंग कैट के पॉपुलेशन को समझा कितनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से पता चला 176 फिशिंग कैट्स हमको यहाँ पे मिली है, ठीक है. तो वर्ल्ड का पहला ऐसा पॉपुलेशन एस्टिमेशन है जो फिशिंग कैट के लिए किया गया है, ठीक है. अच्छा,
यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ पे 150 कैमराज वगैरह इंस्टॉल करके दो फेजेस में इसका पता लगाया गया। इसमें जो मेथड यूज़ की गई उसका नाम है स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर मेथड, ठीक है। तो स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर मेथड इसका नाम है। नाउ इसमें पार्टिसिपेशन भी किया, जो लोकल लोग थे यहाँ के उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। साथ में जो ये जो सी डी ए है यानी कि चिलिका डेवलपमेंट एसोसिएशन अथॉरिटी जो भी है, उन्होंने ये बोला है कि जो ग्लोबली थ्रेटन्ड कैट्स हैं, जो फिशिंग कैट्स हैं, ये ग्लोबली थ्रेटन्ड कैट्स हैं और ये मेनली इस एरिया में, चिलिका वाले एरिया में मिलती है। ये जो इंडस के आसपास वाला रीजन है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, वियतनाम, इन एरियाज में भी मिलती है। तो कुल मिला के 10 एशियन कंट्रीज में मिलती है, लेकिन इनका कहीं पर भी एस्टिमेशन नहीं कि कितनी पॉपुलेशन इनकी है। इसीलिए इनको इनके ऊपर काफ़ी थ्रेट चल रहा है, क्योंकि वेटलैंड्स में रहती है और वेटलैंड्स धीरे धीरे इरोड हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और इसीलिए इनका हैबिटेट खत्म हो रहा है, इसलिए इनके ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट है। इसीलिए इनके बारे में पता लगाना, इनके पॉपुलेशन के बारे में पता लगाना जरूरी था, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, लेकिन फिशिंग कैट क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो देखो ये दिख रही है, ये कैट इस तरह की कैट होती है, ठीक है। वाइल्ड कैट आप समझ सकते हो, जो नॉर्मल कैट्स आपको देखने को मिलती है उसकी डबल साइज की होती है, ठीक है। बहुत बड़ी कैट्स होती हैं, नॉक्टर्नल होती हैं यानी कि रात में जागती हैं, रात में एक्टिव होती हैं, ओके। और ये किस पे प्रे करती हैं, जो फ्रॉग्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इन सब के ऊपर, और लार्जर एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होती हैं, कैरकेसेस होते हैं, उनके ऊपर भी ये फीड करती है, ठीक है। ये सारे साल में ब्रीड करती है, ठीक है। और यहाँ पे ये मोस्ट ऑफ द लाइफ जो अपनी जीती हैं वो डेंस वेजिटेशन में जीती हैं, ठीक है। जहाँ पे पानी के जो सोर्स हो पास में हो, ठीक है, वाटर बॉडीज पास में हो, एक्सीलेंट स्विमर्स भी होती हैं। मेनली आप देखोगे, मेनली ये ईस्टर्न घाट्स पे आपको देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न घाट देखो, ये वाला जो रीजन होता है इस पे आपको देखने को मिलेंगी। हमने अभी भी देखा चिलिका, चिलिका यहीं पे लाया करता है ना। तो चिलिका के आसपास ही मिलेंगी, सुंदरबंस के आसपास आपको ये देखने को मिलेंगी, कृष्णा मैंग्रोव्स में आपको देखने को मिलेंगी। तो मेनली वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे ये आपको मेनली देखने को मिलेंगी। इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात कर लेते हैं, तो आईयूसीएन के हिसाब से वल्नरेबल कैटेगरी में आती है ये, ठीक है। अपेंडिक्स 2 में आती है साइट्स के, और शेड्यूल 1 में आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, ओके। तो याद रखना है इसके बारे में, एनवायरमेंट से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। तो आज के सेशन में हमारे पास इतने ही इश्यूज थे। अब देखो एक अनाउंसमेंट ये है कि एथिक्स का एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स मैं लेकर आ रही हूँ आप सभी के लिए। जो भी 2022 वाले एस्पिरेंट्स हैं, मेंस देने वाले हैं, 23 वाले एस्पिरेंट्स हैं और 24 वाले एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी के लिए काम का है ये एथिक्स का कोर्स। क्यों काम का है, इसके रिगार्डिंग कल शाम को 7 PM पे मैं पूरे कोर्स का यहाँ पे अनाउंसमेंट करूंगी। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या क्या इसमें इसके फीचर्स रहेंगे, ये सब कुछ मैं कल 7 PM पे अनाउंस करूंगी। ब्रोशर आपके लिए लेकर आऊंगी, और आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में, जो कि 20 जून से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 20 जून से स्टार्ट होने वाला है ये, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे से हम ये स्टार्ट करेंगे इस कोर्स को। जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हो वो मुझे मेल कर सकते हैं, मेल के थ्रू मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, क्योंकि देखो लिमिटेड सीट्स हैं, हमारी पहली बैच है, तो मैं इसलिए लिमिटेड सीट्स रख रही हूँ। स्टार्टिंग के जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे स्पेशल ऑफर रहेगा, जो फीस रहेगी उसका। तो आप लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाला ये सिस्टम रहेगा, तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो मुझे मेल कर सकता है। 40 सेशंस का टोटल हमारा ये पूरा कोर्स रहेगा। इसमें हम डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर करने वाले हैं, प्रीवियस ये क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, मैं कुछ आपके टेस्ट भी लूंगी अपने लेवल पे, साथ में हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज को अलग से डिस्कस करेंगे, बहुत रिगरस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ये सब कुछ हम आपको करवाएंगे इस कोर्स के अंतर्गत, और 40 सेशंस का ये पूरा कोर्स रहेगा। 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। पूरी डिटेल्स कल शाम को 7 PM पे आपको मिल जाएगी, ओके। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो मुझे मेल कर सकता है, और कल से ही 7 PM से हम यहाँ पे इसका जो एनरोलमेंट है, एडमिशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो मुझे मेल कर देना अकॉर्डिंगली, ओके। और बाकी तो सब बढ़िया ही है, ठीक है। तो अच्छा, मैंने आपसे जो दो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके कमेंट जरूर करना, उसके आंसर्स को लाइक जरूर करना, जो लेक्चर है शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।